एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकान बुटीक। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हाई टू लो फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इट मीन्स अलॉट टू मी। और अगर आप इसे देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। हाई लो फ्रॉक बनाने के लिए मैंने 2 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट को कट करेंगे, तो उसके लिए हमने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए ये डबल फोल्ड है, तो इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। सो अब ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। हमें इसकी लेंथ 14 इंचेस चाहिए, तो 1 इंच इसमें इंक्लूड करेंगे और 15 इंच पर लेंथ का मार्क करेंगे। और इसकी विड्थ 9 इंचेस है। सो 15 इंच पर ब्लाउज की लेंथ के लिए कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने टॉप पार्ट की लेंथ निकाली है और ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है। ये इसका ओपन साइड है और ये इसका फोल्डेड साइड है। अब फोल्डेड साइड पर इंच टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे। आर्म होल की लेंथ हमें 7 इंचेस चाहिए। यहाँ से भी 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हमारे टोटल चेस्ट 36 इंचेस है। इसका 1/4 करेंगे, 1/4 करने पर 9 इंचेस होगा। सो 9 इंच पर चेस्ट का मार्क करेंगे और 1 इंच माइनस करते हुए 8 इंच पर वेस्ट का मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन अप करेंगे और आगे से 1.5 इंच सीविंग अलाउंस ले लेंगे। इसके बाद हम फ्री हैंड से बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। सो नेक की मार्किंग के लिए मैं 2.5 इंच की विड्थ लूँगी और नेक डीप में 4.5 इंच और 5 इंच लूँगी। यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और फ्री हैंड से दोनों नेक में राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है उस पर हम कट कर लेंगे। कटिंग करते हुए सबसे पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। और इसी तरह से बैक नेक को कट करेंगे। फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे। और जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उस पर भी हम नॉचेस लगा देंगे। इसके बाद हम दोनों पार्ट्स को सेपरेट करेंगे और फ्रंट पार्ट की आर्म होल और नेक को कट करेंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसको हमने डबल फोल्ड करना है किनारे वाली साइड से इस तरह से। इसके बाद इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है और अच्छे से इसे सेट करना है। वेस्ट की मार्किंग के लिए आप डायरेक्ट टॉप पार्ट को रखकर भी मार्किंग कर सकते हैं या फिर आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट है। यहाँ पर हमारी वेस्ट का मेजरमेंट 8 इंचेस है, उस पर 1 इंच प्लस करेंगे। सो 9 इंच पर हम यहां से सीधा मार्क करेंगे। इसके बाद हमने यहां से लेंथ चेक कर लेनी है और जितनी भी लेंथ आती है इंच टेप को गोलाई में घुमाते हुए मार्क करना है। देन अगेन इसके टॉप साइड पर इंच टेप को रखेंगे और इसके घेरे की लेंथ के लिए 40 इंच पर सर्कुलर मोशन में मार्क करेंगे। इसके बाद जो भी हमने मार्किंग की है उसे हमने अच्छे से डार्क कर लेना है। सो गाइस, ये मैं हाई लो फ्रॉक बना रही हूँ, तो जो मैंने ये मार्किंग की है ये फ्रंट पार्ट के लिए है, यानी जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला होगा उसकी। इसके बाद हम बैक वाले पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सो इस मार्क से नीचे 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे।
और इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब हम इसे आउटर लाइन से कट करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग से हाफ इंच ऊपर को कट करना है फॉर सेविंग अलाउंस। और जो हमारे बैक पार्ट की लेंथ है सबसे पहले हमने उसे कट करना है। तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। और फ्रंट पार्ट के घेरे को कट करेंगे। इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक से स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है और ये डबल फोल्ड है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो ये फोर फोल्ड हो गया है। आर्म होल की विड्थ के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को 9 इंच पर फोर फोल्ड किया है और इसकी लेंथ 12 इंचेस है। और यहाँ से 5 इंच पर मार्क करेंगे। और इसके टॉप साइड से 2 इंच पर मार्क करेंगे और ओपन साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और कुछ इस तरह से आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। अब इन लाइंस पर कट कर लेना है। और इसके सेंटर पर कट लगाएंगे। और स्लीव की बेल के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और ये डबल फोल्ड है। इसको हम सेंटर से फोर फोल्ड करेंगे। अब इसके सेंटर पर इंच टेप को रखेंगे और सर्कुलर मोशन में 10 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए स्लीव की जो लेंथ है वो शोल्डर से लेकर एल्बो तक रखी है और एल्बो की जो विड्थ है वो 4 इंचेस है। 4 इंच का हाफ करेंगे तो 2 इंचेस होगा। तो इसके सेंटर पर 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो मैंने इसे मार्क कर लिया है। अब हम इसे आउटर लाइन से कट करेंगे। तो देखिए हमें ये जो स्लीव है ये सेंटर से ओपन चाहिए तो हम इसके साइड से इसे कट करेंगे। तो इसके दोनों साइड से हमने इसे कट करना है। सो ये स्लीव को हम सेपरेट कर लेंगे। सो देखिए ये मैंने एक स्लीव ली है और ये कुछ इस तरह से स्टिच होंगी। और स्लीव के सेंटर में लगाने के लिए मैंने ये लटकन बनाई है। तो ये लटकन को स्लीव के अंदर की तरफ रखते हुए स्लीव के सेंटर पर रखेंगे और दोनों बेल को स्लीव के अंदर राइट साइड पर राइट साइड को मैच करते हुए रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्लीव पर फिक्स करेंगे और इसकी साइड्स की बॉर्डर को और नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है और कुछ इस तरह से हमारे स्लीव का लुक आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव बनकर रेडी है। अब
हम इसके टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और अब हम इसके नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने नेक के अकॉर्डिंग ये पट्टी को कट किया है और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंचेस है और नेक की बॉर्डर पर मैंने लेस को अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच करा है। सो ब्लाउज के रॉन्ग साइड पर नेक के राइट साइड को मैच करते हुए रखा है। अब इसके नेक को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। पूरे में कट्स लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे। और इसके साइड्स में और नेक में टॉप स्टिच करते हुए इसे ब्लाउज पर फिक्स करेंगे। सो फ्रंट पार्ट के नेक की फिनिशिंग कर लिया है, अब बैक पार्ट के नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बैक पार्ट लिया है और नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने नेक के अकॉर्डिंग इसे कट किया है। तो ब्लाउज की राइट साइड को नेक की राइट साइड से मैच करते हुए रखेंगे और इसके पूरे नेक सर्कल को स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है और इस पर मैंने लिटिल बिट कट्स लगा लिया था। अब हम इसके नेक को रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और इसके बैक में 1/2 इंच जितना फोल्ड करते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने इसके दोनों नेक की फिनिशिंग कर लिया है और नॉर्मली हम जैसे शोल्डर से अटैच करते हैं वैसे ही मैंने इसके टॉप पार्ट को शोल्डर से अटैच कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे और इसकी आर्म होल में दोनों स्लीव को स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये स्लीव ली है और स्लीव के सेंटर को और शोल्डर के सेंटर को मैच करते हुए रखेंगे राइट साइड को राइट साइड पर और इसे पूरी आर्म होल में स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड पर स्लीव को स्टिच कर लिया है। अब इसके वेस्ट एरिया में इसके घेर को स्टिच करेंगे। सो जो हमारा हाई साइड है उसे हमने फ्रंट पार्ट पर स्टिच करना है। राइट साइड को राइट साइड पर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे पूरे वेस्ट एरिया में स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से बैक पार्ट पर हाई साइड को रखेंगे, राइट साइड को राइट साइड पर मैच करते हुए और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे भी वेस्ट एरिया में स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड पर घेरे को अटैच करने के बाद इसके साइड्स में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सो यहाँ से इसकी बेल्ट को ओपन रखना है और पूरे गाउन में फिटिंग की सिलाई को ऐड करेंगे। तो देखिए इसके साइड्स में मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारा बॉटम है इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी मोर इजी फैशनेबल डिज़ाइनर ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।